हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? होप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जनरली बात करने वाले हैं कि आपके बेसिकली एग्जाम फॉर्म को लेके, ठीक है। यहाँ भी कुछ चीज़ें पता चली हैं कि यहाँ भी कुछ होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद से जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कम्प्लीट कर चुके हैं, उनकी डिग्री जो है बच्चों वो ऑलरेडी डिजी लॉकर पर लाइव हो चुकी है। और साथ में ये भी बात करेंगे ABC ID को लेके, बहुत लोग परेशान थे तो इस बारे में भी बात कर लेंगे। और साथ में जो एग्ज़ाम डेट को लेके मैंने क्लियर कट कर दिया है कि बच्चों अब एग्ज़ाम जो होना है वो दिसंबर में ही होगा, चाहे वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या कोई भी सेमेस्टर हो, तो इन चीज़ों पे बात कर लेंगे। बात कर लेते हैं बच्चों कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की, तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको पता है बच्चों, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने LURN के जो पोर्टल थे वो 20 सितंबर को बंद कर दिया, मतलब 20 सितंबर को LURN पोर्टल बंद हो चुका है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी और इन लोगों को डेटा एंटर लिंक करने में कम से कम बच्चों अक्टूबर 10 या 15 तक का समय लगेगा। तो होपफुली ये पूरा मतलब क्लियर हो रहा है, जो भी हम लोगों ने बात करके ये सीखा जाना बताएं, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा बच्चों, सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म जितने भी, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, और लॉ करते होंगे तो 7th सेमेस्टर और 9th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट होंगे, उन सभी के जो एग्ज़ाम फॉर्म होंगे बच्चों वो 15 अक्टूबर के बाद आने वाले हैं। 15 अक्टूबर से आएंगे और 15 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। कम से कम एक महीना मिलेगा सभी बच्चों को अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। अब कई बच्चों का ये सवाल है कि भैया मेरे LURN में कुछ करेक्शन रह गया है, तो जनरली अगर आपका DOB का कंसर्न होगा, फादर नेम होगा, तो एक दो मतलब सिर्फ आपका नाम एडिट नहीं होता है, मदर्स नेम शायद एडिट नहीं होता है या फादर, बाकी एड्रेस वड्रेस जो भी करेक्शन करना है आप LURN पोर्टल पे लॉगिन करके करेक्शन कर सकते हो। अगर नहीं होता है करेक्शन तो उस स्थिति में आपको एडमिशन ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देना होगा। जैसे ही एप्लीकेशन दे दोगे तो आपका LURN पे जो नाम था वो सही हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैंने पहले बताया था कि अब जो लास्ट डेट है, मतलब 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर या 20 नवंबर तक आपको पूरा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। और साथ ही लॉ के स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा परेशान हैं, उनका कहना ये है कि दिसंबर में हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर लग गए हैं तो कैसे हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम चलेगा। तो इस पर भी हम लोगों ने बात किया, तो उन्होंने बताया भाई इस पर विचार चल रहा है, जो भी होगा डिसीजन मैं आपको आके बता दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान ना होइए। अब बात रह गई बच्चों की एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और UG PG की डिग्री बच्चों विश्वविद्यालय ने बताया है कि हमने DG Locker पे अपडेट कर दिया है, DG Locker पे अपडेट कर दिया है। तो DG Locker पे आपको जाना है, ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हो, LKO यूनिव लिखोगे चेक कर लो, यहाँ पे लिखो DG Locker, ठीक है। जैसे DG Locker लिखोगे यहाँ पे क्लिक कर देना gov.in पे, अगर ID नहीं होगा तो साइन अप कर लेना अपने आधार नंबर से, एक बार ID बना लेना पूरा, ठीक है। जैसे ID बना लोगे उसके बाद से मान लो यहाँ पे आधार मैच कराओगे, ठीक है, और साइन इन करोगे, पहले से ID बनी होगी तो आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हो, यूजर नेम से भी लॉगिन कर सकते हो। तो कई सारे इन्होंने तरीके दिए हैं, जैसे सर्च करोगे नाम आ जाएगा, ऊपर सर्च करना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ तो नीचे लिख के आ जाएगा डिग्री सर्टिफिकेट। जैसे डिग्री सर्टिफिकेट पर क्लिक करोगे, ईयर डालोगे, इनरोलमेंट नंबर डालोगे, रोल नंबर डालोगे, अपने आप डिग्री बन के चली आएगी, DG Locker से मिल जाएगी, चाहे वो 2023-24 में पास हुआ, चाहे कभी कहीं के भी स्टूडेंट हो तो आपकी डिग्री मिल जाएगी। तीसरा डाउट बेसिकली हमने क्या लिया था, ABC ID को लेके। तो बच्चों ABC जो ID होता है, R ID जो होता है बच्चों, वो DG Locker से ही बनता है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आधार से अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिंक करा लीजिए, ठीक है, और जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे वो ABC ID मांगी जाती है, तो उसको आप पहले बना लेना। आप DG Locker पे सर्च करना, आपार सर्च करना या ABC लिख देना। जैसे ABC लिख दोगे अपने आप एकेडमिक क्रेडिट बैंक इस तरीके से लिख के आ जाएगा पूरा, उस पर क्लिक करना, आधार नंबर डालना, पूरा रोल नंबर डालोगे, जैसे आप करोगे आपके सामने पूरा वो बन के आ जाएगा, ठीक है। होपफुली ये 3 डाउट क्लियर हो गया। एग्ज़ाम पूरा पूरा एकदम साफ है कि भाई दिसंबर के पहले सप्ताह से हर हाल में एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाए, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। PG वालों के एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद होते हैं, UG वालों के एग्ज़ाम पहले हो जाएंगे, ठीक है।
और बात रहेगी आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी की, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एलयू अपडेट मोबाइल ऐप। ठीक है, जैसे आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे बच्चों, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद से हमारे यहाँ आपके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, और बीए एलएलबी, ठीक है, और उसके बाद से एमबीए, एमकॉम और एलएलबी थ्री ईयर के सभी कोर्स बच्चों एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। आपको होम बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से अपने फेवरेट बैचेस में इनरोल कर लेना है और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी वहाँ से पूरी करनी है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो क्लास मिलता है, ई नोट्स मिल जाते हैं, PYQ मिल जाते हैं, बूस्टर मिल जाते हैं और साथ में आपको मिल जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। और बेसिकली हम इसमें ये भी बताते हैं कि आपको अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सारी जानकारी जो होता है बच्चों इस पूरे कोर्स में हम आपको देते हैं। तो बच्चों आप अपना कोर्स जल्दी से इनरोल करिएगा और आइए करते हैं मिलके अच्छे से तैयारी, क्योंकि मात्र 2 महीने रह गए हैं, पहले सप्ताह से पेपर शुरू हो जाएगा। और लॉ वालों का अगर जिस तरीके से एग्ज़ाम का बता रहे हैं लोग दिसंबर में डेट है, तो इनके पहले शिफ्ट करने की कोशिश यूनिवर्सिटी करेंगे, ठीक है, तो लॉ वाले बिल्कुल तैयार रहिएगा, बाकी सभी लोग जल्दी से आइए तैयारी शुरू करिए। ठीक है, होपफुली कोई भी डाउट होता है तो आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप के चैट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।